ए टू जेड रेसिपीज में आपका स्वागत है। मैं संगीता आज आपको एक ब्रेड पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। ब्रेड पिज्जा बहुत ही कम समय में बन जाता है और बहुत डिलीशियस बनता है, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मुझे चाहिए ये ब्रेड जो मैंने 4 स्लाइसेस ले रखी है, और साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट की हुई हैं, जैसे ये है ओनियन जिसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में मैंने काटा हुआ है, ये टमेटोज, कैप्सिकम और ये कॉर्न। इसके अलावा और भी कोई वेजिटेबल आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्यूब्स चीज़ के ग्रेट करके रखे हुए हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिला के मैंने लिया हुआ है, और ये थोड़ा सा टमाटो केचप। इन सारी चीज़ों से हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं अपनी एक ब्रेड के ऊपर ये टमाटो केचप है ये लगाऊंगी। आपको क्या करना है, टमाटो केचप सबसे पहले लगाना है इसके ऊपर ब्रेड पे। ये देखिए मैंने अपनी चारों ब्रेड पे टमाटो सॉस लगा दिया। मेरे पास ये फन एंड फूड का पिज्जा टॉपिंग्स भी है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस टाइम ऐसा माहौल है कि कहीं बाहर जाके कुछ ला भी नहीं सकते, तो जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है उसी से ही आप बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा टॉपिंग भी आप ये लगा देती हूँ, इससे क्या है बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा ही फ्लेवर आएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास हैं उसको धीरे धीरे करके ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। सारी वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी सबके ऊपर आनी चाहिए। अपने हाथों से ही धीरे धीरे, पहले मैं कॉर्न लगा देती हूँ सबको, क्योंकि इसमें क्या होता है जितना वेजिटेबल्स आते हैं उतना ही ये बढ़िया लगता है। अब इसके बाद में ओनियन, और ये शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, बच्चे बहुत दिल से खाएंगे, आप अपने घर पे बनाइए। ये थोड़े से टमेटोज डालते समय आप ये चीज ध्यान दे देना कि सेंटर का जो पल्प होता है जिससे वो पानी निकल सकता है वो आप पहले हटा लें, सिर्फ ये आउटर जो स्किन है वो ही हमने रखी है, पल्प हटा दिया है। आप ऐसे करके चारों तरफ आप स्प्रेड कर दीजिए, और ये मल्टी कलर्ड होने के वजह से और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये मेरे पास है कैप्सिकम, मैं ये भी लगा देती हूँ। बिल्कुल आप ऐसे ही करके इसको डेकोरेट कर लीजिए। अगर आपके पास पनीर के क्यूब्स हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद में क्या करूंगी, जो मेरे पास ये चीज है जो मैंने ग्रेट करके रखा है वो इसके ऊपर अभी स्प्रेड कर दूंगी। इसको भी आप अपने हाथों से ऐसे धीरे धीरे स्प्रेड कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे। आप जितना चीज खाना पसंद करें उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब ये जो चिली फ्लेक्स मेरे पास है और ऑरिगेनो, ये मैं ऊपर से सब पे स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखिए हमारे जो है पिज़्ज़ा, इसको मैंने अच्छे से चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो डाल दिया है। अब चलते हैं इसको पकाने के प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है। अभी ये हल्का ही गर्म हुआ है, इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी। हल्के से इसको चारों तरफ बटर को स्प्रेड कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, और अब जो ये हमारा पिज्जा है इसको इस पे रख दीजिए। इसको अच्छे से ढक देंगे, ये देखिए ये मैंने ढक दिया, और थोड़ी देर धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे। एक चीज का ध्यान देना, साइड में आप पानी जरूर स्प्रिंकल करना। थोड़ा सा पानी डालने से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका चीज मेल्ट हो जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा कितना बढ़िया बन के आया है ये पिज्जा।
सारा चीज देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, बहुत ही बढ़िया बना है, अच्छे से चीज मेल्टेड है, कितना बढ़िया बना है। ऐसे करके मैं और दूसरे भी बना लेती हूँ। ये देखिए मेरे ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत पसंद आएंगे। बच्चे और बड़े फटाफट झटपट ख़त्म कर लेंगे, इतने टेस्टी बनते हैं ये। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबाना। इससे क्या होगा, मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। Okay, thank you very much.